हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एच एस विद प्रदीप और फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पोलिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी एंड एच एस एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए फ़्रेंड्स उसके लिए जो जितने भी जो इंडियन पोलिटी से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स उसमें एक फेवरेट टॉपिक है फ्रेंड्स दैट इज़ रिट्स ठीक है रिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स अंडर आर्टिकल थर्टी टू उसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको ये टॉपिक लेके आया हूँ एंड होप फुली यू विल लव इट और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स बहुत से क्वेश्चन हैं आज के डेट में जो यू पी एस सी और एच एस का जो टै जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है फ्रेंड्स और स्टेट पी सी एस का बहुत से जो क्वेश्चन हैं दे आर मिक्सड विद दी करंट अफेयर्स ठीक है तो आपको जो रीट्स हैं रीड्स के साथ साथ मैक्सम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उससे पढ़ते हैं और पढ़ने के बावजूद रेडी करने के बावजूद फ्रेंड्स दे आर लेकिंग इन द अटेम्प्टेस्ट द एग्ज़ाम द रीजन बींग कि वहाँ पर जो है कि ये जो क्वेश्चन है दे आर नॉट कन्वर्सेंट विद द करंट अफेयर्स और द करंट ट्रेंड ऑफ द एग्जामिशन इसीलिए आपको जरूरी है फ्रेंड्स की आप जो है जो जो रिकमेंडेड बुक है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पोलिट्री उसको पढ़ें और साथ साथ में करंट अफेयर्स में पढ़ें और करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स जो स्पेशली जो केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट का के कोई केस आता है किसी टॉपिक से रिलेटेड या कोई एग्जाम्पल्स आते हैं या कुछ न्यूज़ में कुछ करंट अफेयर्स हैं तो उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पता लग जाएगा फ्रेंड्स दैन यू विल बी एबल टू अटैम्प द क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा फ्रेंड्स ये जो तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इसमें जो है एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस इस क्वेश्चन को आप देखिए इसमें आपको देखेंगे ये बहुत से जनरल सा क्वेश्चन है ठीक है ये जो प्रोविजंस एंड कंटेंड इन कौन कौन से जो प्रोविजन हैं कौन कौन से ये आर्टिकल्स में ये हैं ठीक है जैसे रिट जूडिस्ट जुरिस्टिक्शन ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट ये कौन से आर्टिकल थर्टी में होती है फ्रेंड्स सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट जो आप कौन से इसमें आर्टिकल में डाल सकते हो फ्रेंड्स ठीक है इसी तरह रिट जो जुरिस्टिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो ये आर्टिकल टू टू ट्वेंटी सिक्स में फ्रेंड्स सोर्स ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो फ्रेंड्स आर्टिकल थर्टीन में इस तरह जो आप जो फ्रेंड्स ये जो इस तरह ये मैच मैच कर सकते हो ये जो ये जो क्वेश्चन है इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ईजी क्वेश्चन ठीक है लेकिन जो है कुछ जगह के हैं ये देखो एक एक और क्वेश्चन है यूपीएससी दो में एक क्वेश्चन आया था मैनडेमस विल नोट लाई अगेंस्ट एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी ठीक है फ्रेंड्स मैनडमस विल नोट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन थ्रो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी यह भी देखिए यहां पे देखिए फ्रेंड्स देखो ये जो आपने मैनडमस का पूरा पढ़ लिया होगा बट आपने देखा होगा कि इट इज रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ठीक है तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो इसके साथ मिक्स करना होगा तभी जो है आपको एक आप जो है एग्जाम के लिए एक अच्छी तैयारी कर सकते हो तो उसी से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक ब्रीफ बताऊंगा फ्रेंड्स सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वट इज दी रियल पर्पज बिहाइंड आस्किंग क्वेश्चन क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं और टॉपिक्स आपको किस तरह रेडी करने होते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो लेट एस स्टार्ट रिट्स अंडर आर्टिकल थर्टी टू फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स फॉर हाई कोर्ट ये जो रिट्स होती हैं फ्रेंड्स इसको अगर आपका फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट होते हैं कहीं पे भी तो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट में इसको जो अथॉरिटी दी गई है दैट इज़ अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 ठीक है आर्टिकल 32 टू इज़ इट सेल्फ फंडामेंटल राइट और इसमें आपको दिया गया, गया है कि आर्टिकल 32 में ये प्रोविजन दिया गया है कि अंडर सच रिट्स इफ़ योर फंडामेंटल राइट्स राइट्स आर वायलेटेड अगर आपके फंडामेंटल राइट्स right का कहीं पे जो है वॉयलेसन होता है तो जो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख सकते हो एक्सप्लन लेटर लिख के सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख सकते हैं और जिस भी फिर सुप्रीम कोर्ट जो ए रिट्स जो इशू करेगा जो भी जो भी कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न गवर्नमेंट है उसको जो है ये लेटर उससे जो है अथॉरिटी ये ये रिट्स इशू करेगा एंड ही विल आस्क द रीज़न फॉर इट ठीक है और जो वो जो, जो रिट्स हैं वो अलग अलग हैं उसी तरह ये जो फैसिलिटी है फ्रेंड दिस इज गिवन इन आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स इन हाई कोर्ट हाई कोर्ट जो टू ट्वेंटी सिक्स के तहत जो इसको एंटरटेन कर सकता है कोई भी अगर आपकी एप्लीकेशन हैं ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओके तो दीज फाइव रिट्स आर कौन कौन सी रिट्स हैं एक बार जब जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है ये आपका जो फंडामेंटल राइट right का वायलेशन का आप लेटर लिखते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो जो फाइव रिट्स हैं वो इशू करता है उनमें से कौन कौन सी होती है इट कुड बी हैबियस कोपस मैंडमस प्रोहिबिशन सर्चरी को वारंटो ठीक है सॉरी सॉरी फॉर द स्पेलिंग फ्रेंड्स इट शुड बी को वारंटो ओके तो ये जो है इन ये जो पांच रिट्स जो इशू करता है ठीक है अब जो रिट्स में क्या है रिट्स इज इशूड अगेंस्ट वॉयेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर एनी अदर केस अगेंस्ट हाई कोर्ट अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट इशू करता है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर दायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट मतलब क्या है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वायलेशन ऑफ ओनली फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जो है ये रिट्स इशू कर देगा लेकिन जहां पे हाई कोर्ट है स्टेट हाई कोर्ट जो रहते हैं हाई कोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट सॉरी जो जो हाई कोर्ट है ये क्या करते हैं वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के अलावा जो है फंडामेंटल राइट right के अलावा जो है ये दूसरी जो है दूसरी कोई औ, 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 कोई भी अदर दूसरे आपके राइट्स right जो वॉयलेट होते हैं सपोज आपका कुछ ऐसा हो गया कि एक एक एग्जाम्पल देता हूँ डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया आपका कुछ ये हो गया यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट यू कैन गो टू द हाई कोर्ट हाई कोर्ट्स में क्या है हाई कोर्ट्स का जो रिट का जो इशू है जो रिट का जो इशू करने की जो कैपेसिटी है दैट इज वाइडर देन दी सुप्रीम कोर्ट ठीक है सुप्रीम कोर्ट ओनली क्या करेगा ओनली ही विल एंटरटेन द एप्लीकेशन विच आर रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट्स जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है ठीक है अब जो है सोर्स ऑफ रिट्स क्या है ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स आपको कि सोर्स ऑफ रिट्स क्या है जो जो रिट्स जो रिट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं वो कहाँ से हैं दे आर इन दी दे आर टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है फ्रेंड्स ब्रिटिश कॉन्स्ट्यूशन से इसको जो अडॉप्ट किया गया है और आर्टिकल थर्टी टू में इसको सुप्रीम कोर्ट है टू ट्वेंटी सिक्स में हाई कोर्ट है ठीक है हाई कोर्ट को एक अथॉर्टी है ये मैंने आपको बता दिया हाई कोर्ट्स रिट्स बाइडन स्कोप देन सुप्रीम कोर्ट ये मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट की जो है ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स ओनली इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और ये जो हाई कोर्ट्स हैं दे कैन इशू द रिट्स एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वॉयेशन ऑफ फंडामेंटल राइट देखें मतलब जो बनडा फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अलावा भी जो, जो है वॉयलेशन में जो है जाई जो कोर्ट है यू कैन इशू रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स ओके और हाईकोर्ट में रिफ्यूज टू एंटरटेन द रिट्स बट सुप्रीम कोर्ट कांट एज इट अमाउंट्स टू वाइलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इट्स एल्फ फ्रेंड्स आपका कोई फंडामेंटल राइट का वॉयेशन होता है तो हो सकता है कि हाईकोर्ट जो है उसको रिट को एंटरटेन करने में जो है या जो आपकी एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन करने में या आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं वॉयलेट हुए हैं और आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो हो सकता है हाई कोर्ट जो है वो रिट्स को एंटरटेन करने में मना कर सकता है लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता बिकॉज अगर ऐसा करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो वॉयेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ओके अब इसमें क्या है एक और चीज़ है जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था फ्रेंड्स इसमें एक और क्वेश्चन है कि ये जो रिट्स है ये दिस कैन बी इशूड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी ये जो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी क्या है अब इसमें क्या है कुछ कुछ ऐसी अथॉरिटी है अब जो है अब जैसे आप देखोगे आर्टिकल ट्वेल्व है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल ट्वेल्व है इट सेज़ की व्हाट इज लॉ ठीक सॉरी वट इज स्टेट ठीक है स्टेट की डेफिनेशन क्या है इसमें इसमें बताया गया है कि स्टेट के में कौन कौन से होते हैं जैसे आपको देखोगे कि लेजिस्लेचर है ठीक है सेंट, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है सेंट्रल पार्लियामेंट है ठीक है प्रेसिडेंट है ये सब चीजें जो है उसके बाद एग्जीक्यूटिव है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है स्टेट के एग्जीक्यूटिव है इसके बाद पब्लिक जो आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये सब जो है और उसके बाद जो है जो कुछ अथॉरिटीज़ हैं दे आर गिवन द ओके स्टेट का, स्टेट में उसके अंगेंस्ट अगर स्टेट आपको वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट देन यू कैन गो टू द यू कैन गो गोट द सुप्रीम कोर्ट ठीक है उसके अलावा जो कुछ इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी रिट्स होती हैं लाइक like जैसे किसी ने जो पेरेंटल डिस्प्यूट्स हैं ठीक है चिल्ड्रन का जैसे आपको चिल्ड्रन की विल टेक कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन ठीक है तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कुछ रिट्स हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी जो है पब्लिक अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जैसे मान लो कोई ऐसी लाइक like कंपनी है कोई एल हो गया या कोई ओ हो गया इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट है कि पब्लिक अथॉरिटी किसको माना जाएगा इसीलिए करंट अफेयर्स में अगर पब्लिक अथॉरिटी को आप देखोगे उसी के अर, अंगेस्ट में जो है क्वेश्चन डाल दिए होते हैं ठीक है तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट फ्रेंड्स हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड टू प्राइवेट इंडिविजुअल केसेस लाइक डोरी चिल्ड्रन केप्ट बाय पेरेंट्स इलीगली ठीक है ये जो हैबियस स्कोप्स की है कि ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जो है ये आप रिट जो इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राइवेट इंडिविजुअल अब जो आपको क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि कौन कौन सी जो रिट है वो प्रा, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में इशू की जा सकती हैं तो हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब स्टेट के अगेंस्ट तो होंगी होंगी ये स्टेट के अगेंस्ट तो होंगी लाइक सपोज अगर किसी ने हो सकता है किसी अथॉरिटी ने या पुलिस ने किसी को इलीगली डिटेन कर दिया विदाउट एनी वारंट और समथिंग तो ये जो क्या होता है कि यू कैन गो टू द कोर्ट एंड यू कैन आज फॉर इस प्रोडक्शन कि आपको ये होता है कि एक रूल होता है कि आपको जो है ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर जो प्रोड्यूस करना होता है हु एवर यू अरेस्ट अपार्ट फ्रॉम सर्टन केसेज लाइक आपके जो है लाइक ई डी वगैरह का जो अरेस्ट हो सी बी आई वगैरह का ये अलग होता है ठीक है लेकिन जो है इसके अलावा जो है कुछ अदर केसेज में अगर पुलिस जो अरेस्ट करती है दैट शुड बी मतलब जो भी अरेस्ट होता है उसको जो है ही हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स टू दू मैजिस्ट्रेट ठीक है तो इसी के लिए इसी के अलावा जो है ये जो हैवियस्ट कर्पस है मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब जिसको अरेस्ट किया है जिसको इलीगली रखा है उसको जो प्रोड्यूस करो तो ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकती है ठीक है हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ठीक है मैंडमस मैंडमस को पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी कैन यूट बी इशूड अगेंस्ट इंडिविजुअल ये क्या होता है कि पब्लिक ऑफिशियल जो है अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है सपोज आपका आपके कुछ पब्लिक का कार्य है लाइक आपका रोड बनाना है घर में वाटर कनेक्शन है या बिजली का कनेक्शन है समथिंग अदर देन या आपका कोई ट्रांसफर रोका हुआ या कुछ वो एनी थिंग विच इज़ ना आपका प्रमोशन रोका हुआ है तो जो है आपको यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट तो आपको पब्लिक ऑफिशियल को आप जो है उस पब्लिक ऑफिशियल को यू कैन आस थ्रू दिस रिट जो है मैंडमस जो रिट होती है वो इशू की जाती है उसके बाद प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन मैंने टू प्रोहिबिट ऐसी कोई अथॉरिटी है यू भी नो एनक्रोचिंग इज ड्यूटी जो उसका कार्य अधिकार नहीं है लाइक यू नो जैसे कोई कोर्ट है या कोई पुलिस स्टेशन है कोई जो है कुछ भी जैसे कोई पब्लिक ऑफिस है जो उसके कार्य कार्या क्षेत्राधिकार में कार्य नहीं आता और वो एक्स्ट्रा कार्य उसका जो है उस अपने क्षेत्राधिकार से जुडिस से बाहर कार्य कर रहा है तो उसको जो प्रोहिबिशन इशू की जाती है ओके फ्रेंड्स उसके बाद सरस्योरी सरस्योरी मैं टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म मतलब ये क्या होता है कि इसका जो केस की जो जानकारी होती है उसको हायर अथॉरिटी को देनी होती है ठीक है हायर अथॉरिटी होगी कि, कि आप जो है इस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट केस और समथिंग लाइक दैट ठीक है को वारंट होता है बाई व्हाट अथॉरिटी बाय व्हाट अथॉरिटी समवन इज होल्डिंग दैट ऑफिस और बाई व्हाट कैपेसिटी इज डूइंग दैट वर्क ये जो है अगर कोई कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है लाइक यू नो अगर उसने कुछ ऑर्डर पास किया है कुछ ऐसे आदेश पास किया जैसे किसी के निलंबन कर दिया है सस्पेंशन कर दिया है इज द जिस जिस भी ऑफिसर ने या जिस भी अधिकारी ने, ने किसी को सस्पेंड किया हुआ है क्या वो जो है उसकी अथॉरिटी थी वाई वट अथॉरिटी ठीक है यह क्या उसका कारण रहा है ये जो को वारंटो इशू तब जो है सुप्रीम कोर्ट आज फॉर द को वारंटो या हाई कोर्ट ऑल्सो ओके फ्रेंड्स ये जो है एक क्वेश्चन है ये जो मैंने मैंने बताया था आपको यूपीएससीड ट्वेंटी टू से ये क्वेश्चन आए थे मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद्लिक ड्यूटी देखो यहां पर ओके मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी कैन बी पैटिशनर टू मूव अ कोर्ट टू अबटेन रिट ऑफ को वर्न फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है अब नाउ यू कैन सी कि वट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्ड इन यू पी एस सी ठीक है यू पी एस सी से किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स ओके okay. तो होपफुली यू हैव लर्न इट थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ अगर कुछ कमेंट्स होगा अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने हैं तो डेफिनेट यू कैन आस्क मी टू इन अ कमेंट्स थैंक यू